नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। हिंदी फिल्मों में गीतों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गीत को तैयार तो कर लिया जाता है, लेकिन उसे किसी वजह से फिल्म में शामिल नहीं किया जाता है। आज हम मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के एक ऐसे ही अति दुर्लभ अनरिलीज गीत को प्रस्तुत करेंगे, जो वर्ष 1965 में आई नीला आकाश फिल्म के लिए बनाया गया था, परंतु शामिल नहीं किया गया था। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक बने रहें। राजेंद्र भाटिया के निर्देशन में बनी नीला आकाश फिल्म में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, मदनपुरी इत्यादि मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। देखिए मिस्टर, सीधी तरह बॉल वापस कर दीजिए, वरना हमें दूसरी जुबान में बात करनी पड़ेगी। जी कोई बात नहीं, आप किसी भी जुबान में बात कीजिए, हम सब जुबानें जानते हैं। जी हाँ जी हाँ, हम तो गुजराती, मराठी, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हम कौन सी जुबान नहीं जानते। क्या है, क्या बदतमीजी है? कमाल है, आप हमारा दिल मसल सकती है, हम इनके सैंडविचेस नहीं मसल सकते। करेक्ट है, मसल जाता। बुरा ना माने तो मैं जा सकती हूँ? क्यों, ये माहौल आपको पसंद नहीं आया? क्या मैं उम्मीद रखूं कि फ्राइडे शाम को 4 बजे लोधी गार्डन में मेरा चांद मुझे अपना जलवा दिखाएगा? आकाश, मत छू मुझे, मर चुका है आकाश तुम्हारे लिए, चली जाओ यहाँ से। नीला आकाश फिल्म में संगीत दिया था मदन मोहन ने तथा गीत राजा मेहदी अली खान ने लिखा था। फिल्म के गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आखिरी गीत मोहब्बत की सुना लूँ तो चलूँ, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, इत्यादि सदाबहार गीत हैं जिन्हें आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूँ तो चलूँ, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। प्रीत बसी है मेरी नस नस में, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। हालांकि मदन मोहन और राजा मेहदी अली खान ने मिलकर एक और खूबसूरत गीत तैयार किया था, जिसे रफी साहब और आशा जी ने गाया था। गीत के बोल थे, मेरे दिल से आके लिपट गई, लेकिन इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया था। आइए पहले गीत को सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि गीत को फिल्म में शामिल क्यों नहीं किया गया था। मेरे दिल से आके लिपट गई ये हंसी निगाह कभी कभी, नजर की बिजलियां टूट के कहीं ले गई हमें लूट के, करे क्या के अपनी खुशी से भी हुए हम तबाह कभी कभी। गीत रिकॉर्ड होने के बाद कथित तौर पर निर्माताओं ने महसूस किया कि यह गीत उपयुक्त नहीं है, उन्हें एक हल्का युगल, लयात्मक और संगीतात्मक गीत चाहिए, और इस प्रकार गीत को रिकॉर्ड होने के बाद अस्वीकार कर दिया गया था और एक नया युगल गीत रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बोल थे, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, जो फिल्म का सबसे पसंदीदा गीत बन गया। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है। रफी साहब और आशा जी ने दोनों ही गीतों को बहुत ही खूबसूरती से गाया है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, दोनों में से कौन सा गीत ज्यादा बढ़िया है, जिसे फिल्म से हटा दिया गया है या जिसे शामिल किया गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे हम इन दोनों गीतों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहां से आप लोग गीतों का आनंद विस्तार से ले सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।